चलिए सी प्लस प्लस की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बीसीए सेकंड में अब आना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले न्यू करता हूँ और कुछ डिटेल्स हैं इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए, जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम देखते हैं। मैं पहले प्रोग्राम से आप लोगों को क्लियर करूंगा और उसके बाद फिर हम थ्योरी में जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, इसको मिटा दूंगा मैं बाद में। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं सी प्लस प्लस का सबसे फर्स्ट प्रोग्राम और सी प्लस प्लस का यूज हम क्यों करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप लोग सी पढ़ चुके हो। अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है तो हमें कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा? सी में हम यूज करते हैं इंट रोल नंबर इक्वल टू 101, क्योंकि इंट डेटा टाइप जो है वो रोल नंबर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है सर, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है सर, थोड़ा कट रहा है, इंट कट गया सर। इंट कट गया, इंट कट गया, यस सर, यस सर, 01 दिखा रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है सर, अब रोल नंबर इज इक्वल टू 101 दिखा रहा है सर, उसके पहले का नहीं दिखा रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? यस सर, फिर से शेयर कर दूं? यस सर, फिर से शेयर कर दे रहा हूं स्क्रीन को। ठीक है, अभी दिख रहा है पूरा? अभी पूरा दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, चलो, अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है तो हमारे पास एक डेटा टाइप पहले से बना हुआ है जिसका नाम है इंट। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंट स्टोर करना है तो हमारे पास एक डेटा टाइप बना है जिसका नाम है फ्लोट, और हम इस तरीके से उसका परसेंट स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम अगर किसी स्टूडेंट का ये स्टोर कर ले रहे हैं रोल नंबर और किसी स्टूडेंट का परसेंट स्टोर कर ले रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट का हमें ग्रेड स्टोर करना है तो उसका ग्रेड हम स्टोर करेंगे, इसके लिए डेटा टाइप लेंगे कैश। लेकिन किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई डेटा टाइप सी में नहीं था। लेकिन सी प्लस प्लस एक हमको एक फैसिलिटी देता है जिससे हम किसी नए डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं या उसके स्ट्रक्चर को खुद से बना सकते हैं। सी में स्ट्रक्चर नाम की एक फैसिलिटी थी, स्ट्रक्चर और यूनियन, जिससे हम उसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते थे। लेकिन उसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, प्लस सिक्योरिटी लेवल बहुत कम था, और कुछ 8 पॉइंट मैंने बताए थे जैसे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो हम लोग देखते हैं, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का रोल नंबर परसेंट और कैरेक्टर के साथ ग्रेड, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना है सी प्लस प्लस में, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हम उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले हम एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच टोनियो डॉट एच। अब यहाँ पर हम वाइड मेन बनाते थे, तो मैं सीधा ये बना रहा हूँ वाइड मेन। क्लियर है? सेम वही कर रहे हैं, बस प्रोग्राम खत्म होने तक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट रोल नंबर। क्लियर? या पूरी तरीके से इसको हम फ्लोट परसेंट ग्रेड या सी एच
और हम इसको स्टोर कराते हैं, चलिए सी आउट या ऐसे डायरेक्ट स्टोर कर देते हैं, रोल नंबर इक्वल टू 101, परसेंट इक्वल टू 87.89 और ग्रेड इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, अब इसको प्रिंट कर देते हैं, स्टोर तो हमने करा दिया, प्रिंट कैसे करेंगे, सी आउट जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, फिर लिखा सी आउट स्लैश एन के जगह क्या लिखेंगे एल, ठीक है लाइन चेंज हो जाएगी सी आउट, या आपको लाइन चेंज करना है तो यहाँ पर एंड एल के बाद ही लिख दो, एंड एल के बाद आप लिखोगे सेंट एंड एल फिर ग्रेड। ये आपका प्रोग्राम C++ में तो बन गया है बट उसके फीचर्स आपने यूज नहीं किए हैं, इसको रन कराते हैं, हमारा आउटपुट आया, देखिए यहाँ पर आउटपुट आ रहा है रोल नंबर 101, परसेंट आ रहा है 87.88 और ग्रेड स्टोर हुआ है ए और वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारे पास डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने के लिए कोई फीचर नहीं है। तो हम C++ में क्लास नाम का एक फीचर है जिसके द्वारा हम नए डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी, विथ रेस्ट्रिक्शंस, विथ एडिशनल फीचर्स। सी में स्ट्रक्चर नाम की फीचर से हम यूज करते थे विथ, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती थी, केवल डेटा का स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर के साथ प्रिविलेज, स्टोर सिक्योरिटी प्लस उसके स्ट्रक्चर और एडिशनल चीजें यहाँ पर रहेंगी, क्लास चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्लास क्रिएट की है, क्लास का नाम मैंने रखा डी ओ बी में मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा सबसे पहले इंट डी डी, ये हमने स्ट्रक्चर में भी किया था इंट एमएम और इंट वाई वाई। ठीक है, प्लस साथ ही साथ इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पब्लिक लिखना जरूरी है, पब्लिक क्या चीज है, प्रिविलेज है, सिक्योरिटी दे रहे हैं, पब्लिक लिखने से जीरो सिक्योरिटी हो जाती है, सिक्योरिटी वाला मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया। क्लियर, पब्लिक लिखने से उसका जो सिक्योरिटी है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है हम अगली क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिखा void show date, एक फंक्शन भी बना लिया, ये चीज उसमें नहीं थी। आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखते थे और स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शन बनाना की अनुमति नहीं थी। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्लास, लेकिन इसमें ये अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा सी आउट, सबसे पहले तो यहाँ पर सी आउट करने के बाद सबसे पहले वो आपको प्रिंट करेगा डी डी, फिर आपको प्रिंट करेगा स्लैश, ठीक है, फिर प्रिंट करेगा एमएम, फिर प्रिंट करेगा स्लैश, फिर प्रिंट करेगा वाई वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। क्लियर है, अब मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ void get date, एक और फंक्शन बनाया मैंने void get date और इसमें मैंने लिखा सी आउट एंटर out C in MM दो बार M C out YY अच्छा सॉरी C out YY नहीं होगा C out Enter YY C in
वाई वाई, क्लियर। तो ये जो एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट डेट, और ये एक फंक्शन है जिसका नाम है शो डेट, और ये तीन डेटा है डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ, डेट डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है। इसमें डी डी एम एम वाई वाई हो रहा है, और यहाँ पर मैं करता हूँ, अभी प्रोग्राम जब रन होगा तो समझ में आ जाएगा। इसको मैंने किया कॉपी, और नीचे इसके जा करके मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब दूसरे फंक्शन का नाम मैंने लिखा एम एम डी डी वाई वाई बस, और यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एम एम डी 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 और ये वाई वाई, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा था ये वाला, ठीक है, यहाँ भी नहीं लगा है, क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैंने एक क्लास बनाई है, हम इसको फोकस करते हैं, इस एरिया को फोकस करते हैं जो सिलेक्टेड है। हमारा टारगेट ये था कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं था जिसमें हम डेट स्टोर कर सकते थे, तो C++ में क्लास डी ओ बी नाम से मैंने क्लास बनाई। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसा कि स्ट्रक्चर होता था, बट इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं, आप देखोगे आगे तो क्लियर होगा, अभी एक बार में क्लियर नहीं होता। यहाँ पर मैंने पब्लिक लगाया, पब्लिक एक कीवर्ड है जो कि इसके सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा देता है। पब्लिक मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो इस डेटा को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अभी हमको फिलहाल इसको एक्सेस करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक लगाया, इतना समझ जाइए। यहाँ पर तीन डेटा मेंबर बनाए जो इसके अंदर होते हैं, उनको डेटा मेंबर कहा जाता है, जितने भी ये डेटा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डेटा मेंबर। तो मैं यहाँ पे लिखा इंट डी डी इंट एम एम इंट वाई वाई, ठीक है। और एक मेंबर फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा मैंने गेट डेट, इससे इनपुट ले रहे हैं। तो जैसे मैं गेट डेट को कॉल करूंगा, इंटर डी डी मांगेगा, डी डी में स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, फिर एम एम मंगेगा, एम एम में स्टोर हो जाएगा, वाई वाई मंगेगा, वाई वाई में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए जिसका नाम था डेट डी डी एम एम वाई वाई। डी डी एम एम वाई वाई करने से क्या होगा, ये डी डी एम एम वाई वाई क्लास चल रही, क्लास डी डी एम एम वाई वाई करने से क्या होगा कि ये पहले डेट डिस्प्ले करेगा, फिर मंथ डिस्प्ले करेगा, फिर ईयर डिस्प्ले करेगा। और एम एम डी डी वाई वाई करने से क्या होगा, पहले मंथ डिस्प्ले करेगा, फिर ये, यानी आप एक बार इनपुट करके दो आउटपुट ले सकते हैं, क्लियर है। तो अब देखते हैं कि इंट डी ओ बी को हम कैसे यूज करेंगे। जैसा हमने यहाँ पर इंट फ्लोट कैर का एक वेरिएबल बनाया, वैसे ही डी ओ बी का वेरिएबल बना सकते हैं डी टी। अब यहाँ पर डी ओ बी प्राइमरी डेटा टाइप ना होकर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये इंट प्राइमरी डेटा टाइप है, फ्लोट प्राइमरी डेटा टाइप है, कैरेक्टर प्राइमरी डेटा टाइप है। ये तीनों डेटा टाइप जो हैं वो कहाँ पर हैं, इसमें है हेडर फाइल में, लेकिन इन हेडर फाइल में डी ओ बी नाम का डेटा टाइप नहीं है, उसको हमने यहाँ पर बना दिया है, इसका इसके लिए हमने क्लास का यूज किया है, ठीक है। तो सेम अब कोड देखते हैं, अब ये वाली लाइन वर्क करने लगेगी जिसमें डी ओ बी डी टी लिखा है। जैसे रोल नंबर स्टोर कराया, ग्रेड स्टोर कराया, वैसे ही डी टी में भी स्टोर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी टी डॉट गेट डेट, फंक्शन यूज करूंगा, गेट डेट याद आ रहा है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है गेट डेट, इसमें तीनों इनपुट मांगेगा, और गेट डेट इनपुट करने के बाद यहाँ पर ये इनपुट हो गया, एक लाइन लिखते ही इनपुट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सी आउट हैंडल, एंडल के साथ क्या लिखेंगे डी टी, याद रखना है यहाँ पे डी टी डॉट लिखना है ना, डी टी डॉट यहाँ पर लिखेंगे डेट डी डी एम एम वाई वाई, तो ये डी डी एम एम वाई वाई में प्रिंट होगा डेट, और यहाँ पर लिखेंगे सी आउट एंडल डी टी डॉट डेट एम एम डी डी वाई वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने छोटा सा कोड लिखा, एक डेटा टाइप बनाया, यहाँ पर ये वाली लाइन मेन है,
ये DOB नाम की एक डेटा टाइप बनाया जो कि मैंने क्लास में डिफाइन किया था, और DT इसका वेरिएबल है। तो ये क्लास वेरिएबल को ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ध्यान देना, ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के साथ ही डॉट ऑपरेटर लगा के हम डेट इनपुट कराएंगे, और डॉट ऑपरेटर लगा करके हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करा देंगे उसके मेंबर्स को, ठीक। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर दो एरर आया, क्या है एरर देखते हैं। इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन डीडी डॉट डेट, ये पब्लिक में ही है ना। void date mmi सही तो है, इधर कर दो चलो, ठीक है। इसके नीचे ये सी आउट के साथ वर्क नहीं करेगा, इसको हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, रन करते हैं। ये आपका जीरो एरर आया, सबसे पहले वो पूछ रहा है डीडी, हमने यहाँ पर दिया 5, फिर मंथ पूछ रहा है हमने दिया 4, फिर ईयर पूछ रहा है हमने दिया 2020। तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटपुट में क्या आया, रोल नंबर, देखिए उसके नीचे रोल नंबर आया, परसेंट आया, ग्रेड आया, और नीचे देखिए क्या आया, 5 4 2020, उसके नीचे आया 4 5 2020, क्लियर है। इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट करा देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर सी आउट एंटर रोल नंबर, ठीक है। अब तो आप जो रोल नंबर देंगे वो आएगा यहाँ पर, एंटर रोल नंबर। तो यहाँ पर मैंने किया सीन रोल नंबर, फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सी आउट एंटर परसेंट, ठीक है, सीन जी। अब ये तीन, ये लाइन को मैं मिटा देता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं जब रोल नंबर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर, है ना, ताकि आपको पता चले। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंट इक्वल्स टू परसेंट, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रेड इक्वल टू ग्रेड, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा ये सी आउट में डी डी एम एम वाई वाई है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं, डेट या डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक। अब क्लियर हो जाएगा आपको, बस एक लाइन और है, फिर आउटपुट देखते हैं। तो दो डेट ऑफ बर्थ है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमने रन किया, सबसे पहले कुछ एंटर रोल नंबर मैंने दिया यहाँ पे 101, फिर एंटर परसेंट मैंने दिया 43 पॉइंट, जो भी है, ग्रेड दिया मैंने बी, डेट मैंने दिया, जानबूझ के मैंने डेट ऐसा करता हूँ 31, ताकि क्लियर समझ में आए। मंथ में मैं दे रहा हूँ 3, और ईयर में दे रहा हूँ 2020। तब आप देखिए नीचे क्या आ रहा है, रोल नंबर 101, परसेंट 34, ग्रेड बी, नीचे की दो लाइन देखिए, डेट ऑफ बर्थ 31/3/2020, 3/31/2020, क्लियर है, समझ में आया सर। तो ये डेट एंड मंथ और मंथ एंड डेट, हाँ। तो मैंने जो डेट ऑफ बर्थ का ना को स्टोर करने के लिए क्लास बनाई थी, वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन उस क्लास पे वर्क नहीं होता कभी भी। ये जो क्लास बनाई मैंने, इस
ये कभी वर्क नहीं होगा, इसमें मैं केवल स्ट्रक्चर तैयार किया कि उसके अंदर क्या क्या रहेगा, कैसे इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट आएगा। वर्क किस पे हो रहा है, यहाँ पर एक क्लास का वेरिएबल है जिसका नाम है डी टी, तो डी टी क्लास वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक्चुअल वर्किंग किस पे हो रही है, एक्चुअल डेटा किस पे स्टोर हो रहा है, डी टी पे। डेटा कहाँ से प्रिंट हो रहा है, डी टी से, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिला, और ये आपने एक बार डेटा स्टोर किया और किसी भी फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हो, डी 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 एम एम वाई वाई एम एम डी डी वाई वाई, क्लियर है। तो ये आपका क्लास का एक अच्छा प्रोग्राम था। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि सी में जो स्ट्रक्चर बनाते थे, यहाँ पे लिखते थे ना स्ट्रक्ट, उसके जगह क्या लिखते थे, वो लगभग इसी जैसे काम करता था, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसा पब्लिक नहीं लिख पाते थे, ठीक है। दूसरी बात, ये फंक्शन नहीं बना पाते थे। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिख देता हूँ तो क्या होगा, देखना, मैं इसको प्राइवेट कर दिया, अब मैं रन करूंगा तो देखिए खूब सारा एरर आएगा क्योंकि उसको एक्सेस करने नहीं देगा। ये तीन एरर आया, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन, नॉट एक्सेसिबल दिखा रहा है, नॉट एक्सेसिबल दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। ये चीज आपको समझ में आई, क्लियर है ये, यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, अपना माइक अनम्यूट, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अटेंडेंस जिसने मार्क नहीं किए वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब जूम बंद हो जाएगा 10 मिनट में, जी सर। तो ये चीज समझ में आई, यस सर। इसका वीडियो नोट्स भी आएगा, अभी वीडियो तो अपलोड कर दूंगा मैं, नोट्स भी अब जो अपलोड होगा इसमें उसी आपके ऐप में ही मिलेगा, ठीक है जी सर। सर आज बीएससी के रिजल्ट भी आएगा सर, हमारे कब आएंगे सर? जल्दी चिंता मत करो, बीएससी का आ गया है, फिर से बीएससी सेकंड का आएगा, पहले अब तो फर्स्ट ईयर में। सर बीएससी के तो सर दोनों का आ गया सर, फर्स्ट और सेकंड दोनों का आया सर, आज बीएससी केवल सेकंड ईयर का आया है, फर्स्ट ईयर का नहीं है, फर्स्ट का नहीं है।